बीजेपी के लिए पक्की सीटों में बदल चुकी हिसार की सीट अब उसके लिए जी का जंजाल बन चुकी है। ये भी कह सकते हैं कि हिसार सीट पर बीजेपी चौराहे पर फंस गई है। चौराहा इसलिए है कि बीजेपी के लिए 2024 के विधानसभा चुनाव में हिसार सीट पर प्रत्याशी फाइनल करना आसान नहीं होगा। इसका कारण है चार बड़े दावेदार। चारों दावेदारों का अलग अलग रसूख है, अलग अलग पकड़ है और अलग अलग कमजोरियाँ हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कमल गुप्ता की। मंत्री कमल गुप्ता लगातार दो बार चुनाव जीत चुके हैं। 2014 और 2019 में उन्हें चुनाव जीतने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन अब 2024 के चुनाव में कमल गुप्ता सबसे कमज़ोर खिलाड़ी बन चुके हैं। यानी अगर बीजेपी कमल गुप्ता को टिकट देगी तो वो जीत की नहीं बल्कि हार की गारंटी होगी, क्योंकि कमल गुप्ता के खिलाफ सबसे ज़्यादा जनता में नाराज़गी है। लेकिन इसके बावजूद कमल गुप्ता फाइनल पारी खेलना चाहते हैं, वो एक और चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्हें इस बात का भरोसा है कि संघ परिवार के बलबूते पर वो एक बार फिर से टिकट ले आएंगे। दूसरे दावेदार हैं पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल। जिंदल परिवार ने महज 2.5 महीने पहले बीजेपी में एंट्री ली है और अब सावित्री जिंदल हिसार सीट पर दावेदारी ठोक रही हैं। सांसद नवीन जिंदल हिसार में आकर कह चुके हैं कि हिसार के साथ उनका लगाव है और ये उनके परिवार के लिए बेहद ही लगाव वाली सीट है। यानी वो इनडायरेक्टली कह गए हैं कि वो यहाँ से चुनाव लड़वाना चाहते हैं, उनकी माँ सावित्री जिंदल यहाँ से चुनाव लड़ना चाहती हैं। लेकिन जनाब, सावित्री जिंदल ने पिछले 10 साल तक हिसार को लावारिस छोड़े रखा है। वो 2014 का चुनाव हारने के बाद हिसार से एक तरह से लापता हो गई। ना वो सुख दुख में शामिल हुई, ना वो शहर की समस्याओं में शामिल हुई, ना उन्होंने जनता की आवाज़ उठाई और ना ही उन्होंने हिसार शहर का कोई ख्याल रखा। यानी उन्होंने हिसार में होते हुए भी हिसार से दूरी बना ली और अपना पल्ला झाड़ने का काम किया। लेकिन अब बीजेपी में शामिल होने के बाद वो एक बार फिर से न सिर्फ विधायक बनना चाहती हैं बल्कि विधायक बनकर वो तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने पर मंत्री बनने के ख्वाब भी ले रही हैं। तीसरे दावेदार हैं गौतम सरदाना। गौतम सरदाना हिसार के मेयर हैं और वो बड़े धूमधड़ाके के साथ मेयर भी बने थे, लेकिन अब वही मेयरी उनके ऊपर भारी पड़ रही है, क्योंकि मेयर होने के चलते शहर की समस्याओं को लेकर जनता में उनके प्रति आक्रोश है, क्योंकि वो शहर की 70% समस्याओं को हल नहीं कर पाए। शहर में जिस हिसाब से पैसे खर्च हुए हैं उसके हिसाब से शहर में विकास कार्य नहीं दिखते हैं, और जिस तरह से बरसात में हिसार में हर बार जगह जगह पानी भर जाता है, जिस तरह से हिसार शहर के चारों तरफ गंदगी के अंबार लग नज़र आते हैं, उसलिए उसके प्रति सब जिम्मेदार सिर्फ गौतम सरदाना को ठहराते हैं। लेकिन गौतम सरदाना भी हर हाल में पक्का चुनाव लड़ेंगे। अगर बीजेपी इनको टिकट देती है तो बीजेपी से लड़ेंगे, और अगर बीजेपी टिकट नहीं देगी तो वो फिर कांग्रेस की तरफ भी कुछ कर सकते हैं। यानी गौतम सरदाना का चुनाव लड़ना पक्का है। चौथे दावेदार हैं तरुण जैन। बीजेपी के इसमें उपाध्यक्ष तरुण जैन चुनाव की लगातार तैयारी कर रहे हैं। वो बीजेपी में शामिल होने के बाद से लगातार अपनी पहचान के तौर पर काम करते रहे। पहले वो कोषाध्यक्ष के तौर पर वो काम करते रहे और अब बीजेपी के अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिव लोगों में तरुण जैन का नाम भी आता है, और वो जानते हैं कि चुनाव जीतने के लिए उनको जिस हिसाब से वोटों की गोलबंदी करनी पड़ेगी उसके हिसाब से वो तैयारी भी कर रहे हैं। और ये सच्चाई है कि हिसार सीट पर बीजेपी का चुनाव जीतने के लिए सबसे मजबूत चेहरा वैसे समुदाय से ही बेहतर रहेगा, और ऐसे में भी नए चेहरे पर दाव लगाना बीजेपी के लिए सबसे प्लस पॉइंट हो सकता है। तरुण जैन को टिकट देकर बीजेपी उन्हें डार्क हॉर्स के तौर पर पेश कर सकती है, क्योंकि उनके खिलाफ किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है, और एक कारोबारी परिवार के तरुण जैन को टिकट देने से बीजेपी को न सिर्फ पूरे बनिया समुदाय का समर्थन हासिल होगा बल्कि इसके साथ साथ उसे शहर के दूसरे वर्गों में भी आसानी से वोट मिल सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ना खेमेबाजी का ठप्पा है, ना उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्पेंसी है और ना ही उनके खिलाफ किसी तरह का प्रचार है। इसके अलावा रवि सैनी भी हिसार सीट से टिकट चाहते हैं, लेकिन रवि सैनी के टिकट के मिलने के आसार सबसे कम नज़र आते हैं, क्योंकि उनको लेकर शहर के अंदर ज़्यादा पॉजिटिव चर्चा नहीं है। सिर्फ सैनी वोटरों में ही रवि सैनी को लेकर जरूर पॉजिटिव बातें सुनने को मिल जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी इनमें से किसको टिकट देने का काम करेगी। जाहिर सी बात है कि हर सर्वे के अंदर, हर चर्चा के अंदर कमल गुप्ता के प्रति सबसे बड़ी नेगेटिविटी है। सावित्री जिंदल का 10 साल तक शहर से कोई रिश्ता न रखना उनके खिलाफ जाता है। गौतम सरदाना का मेयर होना उनको टिकट के रास्ते में रोड़े अटकाने का काम करता है। ऐसे में
तरुण जैन को टिकट देना ही बीजेपी के लिए सबसे बेहतर और सबसे फायदेमंद हो सकता है। हिसार सीट पर बीजेपी के टिकट के मारामारी के परिणाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हिसार सीट पर कमल गुप्ता के सियासी अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हिसार सीट पर सावित्री जिंदल की आखिरी सियासी ख्वाहिश को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हिसार के मेयर गौतम सरदाना के फाइनल सियासी फैसले को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। तरुण जैन की चुनावी संभावनाओं को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। रवि सैनी की सीएम सैनी के जरिए एक बड़ी ख्वाहिश को अंजाम तक पहुंचाने के चांसेस को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।